हेलो वीवर्स, एक्सरसाइज 4.1। इसमें इनिशियल वैल्यू और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स दिए गए हैं। पहला जो चार क्वेश्चन है, गिवन फैमिली ऑफ फंक्शंस इज द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन द इंडिकेटेड इंटरवल, फाइंड अ मेंबर ऑफ द फैमिली दैट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। देखिए, इसके अंदर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, ये देखिए वाई डबल प्राइम माइनस वाई इज इक्वल टू जीरो, ये सेकेंड ऑर्डर की है और ये लीनियर है और ये होमोजीनियस है। इसका जो जनरल सोल्यूशन है वो ऊपर दिया गया, वाया इज इक्वल टू सी वन ई की पावर एक्स प्लस सी टू ई रेस्ट पर माइनस एक्स दिया गया। क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर है तो इसके देखिए दो ऑर्डरी कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हैं, ये इंटरवल दिया गया पूरी रियल लाइन और ये दो कंडीशन दी गई हैं। चूँकि दोनों सिंगल पॉइंट पे हैं, जीरो पे हैं, तो ये इनिशियल कंडीशन है। तो ये एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम सॉल्व करके आपको दिया गया है। हमने क्या करना है, इसका एक मेंबर फाइंड करना है सोल्यूशन का, यानी सी वन सी टू की तो हर वैल्यू के लिए ये सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ऐसा मेंबर जो इन इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। इन अदर वर्ड्स हमें क्या करना है, इसमें सी वन और सी टू की वैल्यू फाइंड करनी। तो देखिए, मेरे पास पहले मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन, लिख रहा हूँ यहाँ पे वाई ऑफ एक्स जो दिया गया है वो सी वन ई रेस्ट टू पावर एक्स है और सी टू ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स है। अब हमें ये कंडीशन दी गई है, वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो। वाई ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो का मतलब बनता है कि जब x हमारे पास 0 होगा तो y भी 0 है। तो देखिए, ये प्लग कीजिए वाली इक्वेशन के अंदर, y अप 0 यानी x, जब x 0 प्लग करेंगे तो ऑफकोर्स y अप 0 भी 0 बन जाएगा। तो y और x दोनों को 0 प्लग कर दीजिए, तो ये 0 इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 0 प्लस सी टू ई की पावर 0, क्योंकि ई की पावर 0 1 होती है, तो ये बनेगा 0 इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू, या आप कह लें कि सी वन की जो वैल्यू बनेगी वो माइनस सी टू आ जाएगी। यहाँ से मैंने एक रिलेशन फाइंड कर ली। इसी तरह आप देखिए, आप इसके अंदर सेकंड कंडीशन देखिए, वो दिए वाई प्राइम ऑफ ज़ीरो। वाई प्राइम का मतलब कि आपने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें पहले वाई को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। इसे डिफरेंशिएट कीजिए, वाई प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी वन ई रेस्ट टू पावर एक्स का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट ई एक्स ही आएगा, प्लस सी टू कॉन्स्टेंट वैसे आएगा, ई रेस्ट टू पावर माइनस एक्स वैसे का वैसे आएगा और साथ नेगेटिव वन आएगा। अब आपने क्या करना है, वाई डैश ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू वन, यानी x की वैल्यू 0 है और y प्राइम की जो वैल्यू 1 है, तो ये 1 बन जाएगी, इज इक्वल टू सी वन ई की पावर 0 बन जाएगा और ये देखिए माइनस सी टू बन जाएगा, माइनस सी टू ई की पावर फिर 0 1 बन जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू सी वन माइनस सी टू बन जाएगा। ऊपर देखिए मैंने रिलेशन फाइंड किया कि जो सी वन है वो माइनस सी टू के बराबर है, यहाँ प्लग कर दीजिए तो 1 इज इक्वल टू सी वन, सी वन की जगह पे उसकी वैल्यू माइनस सी टू और ये वैसे का वैसे माइनस सी टू, ये 1 इज इक्वल टू माइनस टू सी टू और यहाँ देखिए जो सी टू बनेगा वो माइनस वन ओवर टू बनेगा, ये सी टू की वैल्यू आ गई। जब सी टू की वैल्यू आ गई, यहाँ प्लग कीजिए तो सी वन क्या था, माइनस सी टू, तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी वन बन जाएगा वो वन वन बाई टू बन जाएगा। लिहाजा सी वन भी आ गया, सी टू भी आ गया। अब हमारे पास जो सोल्यूशन था उसमें सी वन और सी टू की आप वैल्यू जस्ट प्लग कर दीजिए तो हमारे पास जो है उसका आंसर आ जाएगा, यानी हमारा जो मेंबर बन जाएगा वो क्या बनेगा, y x इज इक्वल टू सी वन जो कि 1 बाई टू है, तो 1 बाई टू ई रेस टू पावर x और c2 जो कि माइनस 1 बाई टू है इंटू सी रेस टू पावर माइनस एक्स बाई टू। देखिए, ये मेरे पास उस सोल्यूशन का एक मेंबर निकला है जो इस इनिशियल कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेम आपके पास 2 है, 3 है, 4 है, आपने बस वो इनिशियल कंडीशन को इस्तेमाल करना है और उनकी जो उसके अंदर कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं उनकी आपने वैल्यू फाइंड कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिवन दैट y इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर इज अ टू पैरामीटर फैमिली ऑफ सोल्यूशंस। पैरामीटर मतलब जो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व है, सी वन और सी टू, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये इसका सोल्यूशन है। चूँकि सेकेंड ऑर्डर की है तो उसके दो ही पैरामीटर्स या कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, ये इसका इंटरवल दिया हुआ है। शो दैट कॉन्स्टेंट सी वन एंड सी टू कैन नॉट बी फाउंड सो दैट अ मेंबर ऑफ द फैमिली सेटिस्फाइज द इनिशियल कंडीशन दिस। एक्सप्लेन वाई दिस डजंट वायलेट थ्योरम 4.1.1। अच्छा, आपको जो सोल्यूशन दिया गया है इस क्वेश्चन में, y ऑफ x इज इक्वल टू सी वन प्लस सी टू एक्स स्क्वेयर है और आपने क्या करना है, इसके अंदर जो कंडीशन दी गई हैं वो ये हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल 0 और y प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 है। आपने क्या साबित करना है कि कॉन्स्टेंट सी वन और सी टू इस कंडीशन के लिए फाइंड नहीं किए जा सकते। तो पहला काम आप करें, इसको डिफरेंशिएट साथ ही करते हैं, y प्राइम ऑफ x तो ये तो 0 बन जाएगा और साथ इसका क्या बनेगा, ये देखिए 2 सी टू एक्स आ जाएगा। अब यूज़ कीजिए कंडीशंस,
जब फर्स्ट यूज़ करेंगे कंडीशन, वो क्या है जी, वाई ज़ीरो ऑफ ज़ीरो है, तो पहला जो आपका बनेगा वाई ज़ीरो ऑफ ज़ीरो यूज़ करेंगे तो ज़ीरो बन जाएगा, क्योंकि एक्स ज़ीरो सेकेंड टर्म ज़ीरो बन जाएगी, तो सी वन सिंपल निकल आएगा, क्योंकि सी वन मेरे पास ज़ीरो आ गया। सेकेंड कंडीशन इस्तेमाल कीजिए, सेकेंड कंडीशन इस पे यूज़ करेंगे और वो दी हुई है वाई प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू वन, तो ये वन बन जाएगा, और यहाँ पे देखिए एक्स चूँकि ज़ीरो है तो ये पूरी टर्म ज़ीरो बन जाएगी, और ये देखिए इट इज़ नॉट ट्रू, ये ट्रू नहीं है, नॉट ट्रू, ज़ीरो वन के बराबर नहीं आता। तो इसका मतलब कि ये जो कंडीशन हैं इसके लिए हम ये कॉन्स्टेंट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये साहब अब उसे कहा एक्सप्लेन वाई दिस डजन वायलेट थ्योरम 4.1। अब ये थ्योरम अगर चेक करें, एग्जिस्टेंस ऑफ अ यूनिक सॉल्यूशन, लेट ए एन एक्स टिल ए नॉट एक्स एंड जी ऑफ एक्स बी अ कंटिन्यूस ऑन एन इंटरवल आई एंड लेट ए एन इज नॉट इक्वल टू जीरो फॉर एवरी एक्स इन दिस इंटरवल। कि जो ए एन एक्स है, ये जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसका जो कोफिशिएंट होता है वो जीरो नहीं है उस किसी भी पॉइंट के लिए। If x is equal to x naught is any point in this interval, then a solution y of x of the initial value problem 1 exists on interval and is unique. इसमें देखिए ये जो कंडीशन दी गई है ना कि a एन x should not equal to 0 for every x in the interval, ये एक रिस्ट्रिक्शन को गौर से देखें और फिर वापस अपनी इक्वेशन के अंदर। अब यहाँ देखिए अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, ये दी हुई है x y डबल प्राइम माइनस y प्राइम इज इक्वल टू 0, ये इसका हाई ऑर्डर डेरिवेटिव है y2 और उसका जो कोफिशियंट है वो a2 होता है। तो यहाँ पे जो कि सेकेंड ऑर्डर है तो ये a2 इसका x है। अब वहाँ पे थ्योरम में वो an लिखा हुआ था क्योंकि वो जनरल फॉर्म में दी हुई थी, हायर वहाँ पे nth डेरिवेटिव था तो उससे an लिखा गया था। चूँकि हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन में हायस्ट डेरिवेटिव सेकेंड है तो a2 हमारा वो बनेगा इज इक्वल टू x। उसने कहा कि ये जो x, ये जो फंक्शन है ये उस इंटरवल में किसी पॉइंट पर ज़ीरो नहीं होना चाहिए। ये आपका इंटरवल है जी माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी यानी पूरी लाइन, और इसमें ऑफकोर्स ज़ीरो इसके अंदर होगा। अब ज़ीरो अगर एक्स यहाँ पे लूँगा और यहाँ प्रोडक्ट करूँगा तो ये ज़ीरो बन जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि जो थ्योरम की जो हाइपोथेसिस था वही मीट नहीं हो रहा। तो थ्योरम का फिर रिजल्ट कैसे मीट होगा? थ्योरम का रिजल्ट तब मीट होगा उसका हाइपोथेसिस, उसके जो प्री रिक्विजिट्स हैं वो अगर मीट करेंगे फिर थ्योरम का रिजल्ट वैलिड होगा। क्योंकि यहाँ पे थ्योरम अप्लाई नहीं कर सकते, इसलिए इस इवन देन के इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का यूनिक सोल्यूशन नहीं निकला है, ये उस थ्योरम को वायलेट नहीं कर रहा। सिक्स में देखिए फिर ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अब उसने अब वही पहले वाला क्वेश्चन है, उसने कंडीशंस चेंज कर दी हैं। इन कंडीशंस के लिए वो कहता है कि आपके पास जो है वो सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, वही आपके पास जो है वो इक्वेशन है वही सोल्यूशन है, कंडीशंस चेंज कर दी गई हैं तो उसमें आपने चेक करना है कि ये वाला उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखिए पहली तो वही थी मैंने जो कि इसमें पहले वही दी हुई है वाई इज इक्वल जीरो, उसके लिए हम ये निकाल चुके हैं। सेकंड वाई प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल जीरो दिया, तो यहाँ देखिएगा मैं सेकंड यूज़ करता हूँ वाई प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल जीरो, तो फिर ये जीरो यहाँ पर आएगा और यहाँ भी जीरो बन जाएगी, तो देखिए यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि C1 की वैल्यू तो ज़ीरो आई है लेकिन जो C2 है उसकी वैल्यू डिटरमिन नहीं हो सकती। हमारे पास जो सोल्यूशन बनेगा वो y ऑफ x इज इक्वल टू C1, वो ज़ीरो बन जाएगा और C2 x स्क्वायर, ये फिर इसका सोल्यूशन बन जाएगा। और देखिए यहाँ पे C2 इन्वॉल्व हो चुका हुआ है, ये कांस्टेंट है, तो ये दरअसल एक सोल्यूशन नहीं है, ये इन्फिनिट मैनी सोल्यूशंस दिए हुए हैं। C2 की हर वैल्यू के लिए एक सोल्यूशन होगा। उसने कहा कि आप कोई से दो मेंबर लीजिए, तो C2 को आप 1 प्लग कर दें फिर 2 प्लग कर दें तो आपके पास एक दफ़ा एक्स स्क्वेयर आ जाएगा और सेकंड टाइम आपके पास 2x स्क्वेयर बनेगा, कि आपके पास दो जो है उसके सॉल्यूशन बन जाएंगे। कोई भी आप वैल्यूज के ले सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि आप 1 2 लें, 2 3 नेगेटिव जो मर्जी आप ले सकते हैं, इस योर चॉइस, यू कैन टेक एनी वैल्यू। अच्छा इसी तरह आप 7 भी सेम इसी कैटेगरी का आप उसको भी देख सकते हैं।